स्कूटी का चार्जर है जो 6 एम्पियर का है, ये खराब हो गया, ये रिपेयर करने आया हुआ है भान टेक्नोलॉजी पे। ये चार्जर है, ये हमारा चेक करने के लिए सीरीज में पावर बोर्ड है। ये मल्टीमीटर है जिसपे आपको डिटेल चेक कराएंगे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। इसके बाद हम इसको अभी ठीक कर लिया हमने, इसके बाद हम इसको रेजिस्टेंस से चेक करेंगे कि ये लोड ले रहा है कि नहीं है ले रहा। हमारे पास मिनिमम 12 एम्पियर का लोड है, इसमें हमारे पास 12, 24 और 48 वोल्टेज तक का एम्पियर का लोड है, लेकिन ये छोटा चार्जर है, इसमें हम सिर्फ 12 एम्पियर का ही लोड चेक करेंगे। इसमें एक बार आपको 24 एम्पियर का लोड चेक करके दिखाएंगे, जिससे आपको सीरीज बल्ब की फ्लक्चुएशन का पता चलेगा कि वो कैसे काम करता है, कितना लोड ले सकता है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि इसको कैसे चेक करते हैं। इसको हम, ये दोनों वायर हैं रेजिस्टेंस की, इसे हम इसमें लगाएंगे और इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसमें कोई भी वायर किसी में भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इसमें। ये लगाने के बाद ये चार्जर ऑन करेंगे तो इस पे लोड जाएगा, 12 एम्पियर का लोड देंगे। इसमें 4 एमसी लगी हुई है, फर्स्ट एमसी से फर्स्ट कॉइल चलेगी, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ। इसमें अगर ये बहुत छोटा चार्जर है इसलिए इस पे एक ही कॉइल का लोड दे सकते हैं, इसे ज्यादा लोड नहीं दे सकते। 2 का लोड कुछ पल के लिए देंगे जिससे हम बल्ब की 200 वाट का बल्ब है इसकी फ्लक्चुएशन चेक करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको पावर में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। अब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम अब इसको जो है आपको चेक कराएंगे कि कैसे काम कर रहा है। अभी हम इसको लोड देंगे, 12 एम्पियर का लोड देंगे। पहले हमने इसको ये ऑन किया है लाइट को, ये रेड ऑन हो गया, ये वर्किंग कंडीशन में हो गया है। अभी ये इसका फैन ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक ये बैटरी से नहीं जुड़ता तब तक ये फैन एक्टिवेट नहीं होता। फैन एक्टिवेट करने के लिए हम इसको लोड दे रहे हैं एक कोयल का जो 12 एम्पियर की है। अभी आप चेक करेंगे, ये देखिए ये 6 एम्पियर का है लेकिन हमने इस पर 12 एम्पियर का लोड दिया, फैन चालू हो गया है, इसकी वोल्टेज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है। अब हम इसको कुछ पल के लिए 24 एम्पियर का लोड देंगे, जिससे आप, ये बहुत ज्यादा हो गया लेकिन ये टेस्टिंग के लिए, इसको कुछ पल के लिए दें, ज्यादा देने से यह खराब हो जाएगा। अब हम इसको, आप देख रहे हैं बत्ती ऑन हो गई है, ठीक है, पावर मिल गई है और बैटरी चार्जिंग करना चालू कर दिया है। अब हम इसकी कॉइल को बंद कर रहे हैं, ये टेस्ट हो गया है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है कंडीशन। अब हम इसको डायरेक्ट सप्लाई में देके आपको चेक करके दिखाएंगे इसकी वर्किंग कैसे है। अब हम इसको डायरेक्ट सप्लाई में ऑन कर रहे हैं, ये ऑन कर दिया हमने, ऑन हो गया है चार्जर। अब हम इसको 12 एम्पियर का लोड देंगे, ये देखिए 12 एम्पियर का लोड देते ही फैन चालू हो गया है। इस किसी भी चार्जर को चालू करने के लिए बैटरी प्लस एसी दोनों का कनेक्शन ऑन होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। अभी हम इस, ये स्कूटी का चार्जर है जो चार्ज हो रहा है, अभी फाइनली हम इसको चेक कर रहे हैं स्कूटी के अंदर लगाकर। आप देख सकते हैं इस चार्जर को, ये आपका ड्रोन चार्जर है, ड्रोन पावर का, और हमारी डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से दी गई है 220 वोल्ट जो होम घर की सप्लाई होती है, और डायरेक्ट अब ये स्कूटी में लगकर चेक हो रहा है, ठीक है। ये ग्रीन लाइट जल चुकी है और ये चार्जर पूरी प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है इस टाइम।